आज हम बात करेंगे मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। इस कार का लॉन्च इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड है। ये कार सुजुकी के लिए एक आइकॉनिक कार रही है और फाइनली इसका नया जनरेशन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इस कार की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि सुजुकी का ऑल ग्रिप प्रो 4x4 सिस्टम, जो कि ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज को बहुत इंप्रूव करता है, वो इस कार में एक स्टैंडर्ड फीचर की तरह ऑफर होगा। इस कार की एक स्पेशल बात ये भी है कि ये एक मोनोकॉक चैसी नहीं है, जैसा कि काफी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में होता है। ये कार एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसी है, जैसे कि टाटा सफारी हुआ करती थी। यानी इस कार को हम एक्चुअल में एसयूवी कह सकते हैं। इस कार के इंटीरियर्स ऑल ब्लैक कलर स्कीम में होंगे। इक्विपमेंट की गाड़ी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही में एक स्मार्ट प्ले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा, जो सुजुकी आजकल अपनी बाकी कार्स में भी ऑफर कर रहा है। इस कार के एसी वेंट्स एकदम वैसे दिख रहे हैं जैसे कि सुजुकी इग्निस में भी हैं, और इसका जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है वो स्विफ्ट से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ लग रहा है। इस कार के टॉप वेरियंट में आपको कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जैसे फीचर्स जरूर ऑफर होंगे। इसमें आपको सिंगल टोन और डुअल टोन कलर दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन जैसा कि विटारा ब्रेज़ा में भी होता है, डुअल टोन कलर ऑप्शन सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। ये कार दो वर्जन्स में ऑफर होगी, एक होगा स्टैंडर्ड वर्जन और दूसरा होगा सियरा वर्जन। अगर गेयरबॉक्स की बात करें तो इस कार में दो ऑप्शंस मिलेंगे, या तो एक 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स या फिर एक 4-speed ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स। जिम्नी का इंडिया लॉन्च एक्सपेक्टेड है जून 2019 में। जिम्नी का जो स्टैंडर्ड वर्जन होगा उसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 9 लाख रुपए से स्टार्ट होगी, और जो जिम्नी का सियरा वर्जन है उसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 11 लाख से स्टार्ट होगी। ये कार इंडियन मार्केट में एक टोटली नया सेगमेंट लेकर आ रही है, एक छोटी 4x4 एक्चुअली केपेबल एसयूवी, जो कि एक बॉडी ऑन फ्रेम चैसी पर बनी है। हमारे मार्केट में और भी कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, लेकिन कोई भी इतनी केपेबल नहीं है, सब मोनोकॉक चैसी है, यानी वो एसयूवी कहलाने लायक नहीं है। तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है, ये कार इंडिया में सक्सेस हो पाएगी या फिर ये मात खा जाएगी फोर्ड इकोस्पोर्ट से, विटारा ब्रेज़ा से, या रेनो डस्टर से, या फिर ह्यूंडई क्रेटा से।